वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल टेकपॉप पे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नॉइस ने अपने एयरबड्स मिनी लॉन्च कर दिए हैं और डेफिनेटली बहुत सारे लोगों ने इसको पसंद किया और फर्स्ट सेल पे ही बहुत जल्दी आउट हो गए थे और मेरे को ये रिसीव हुए हैं कल और मैंने इसको थर्डली यूज़ किया है। आज मैं आपको इसके प्रॉस एंड कॉन्स बताऊंगा, साथ में बताऊंगा कि क्या ये वर्थ है 1300 रुपए के प्राइस रेंज में, बट आपको दूसरे भी देखने चाहिए। ये सारी की सारी बातें होंगी और साथ में मेरे पास और भी बर्ड्स हैं तो उसके साथ मैं थोड़ा सा कंपैरिजन भी करूंगा और इवन डीप डाउन रिव्यू भी आपके लिए लेके आऊंगा, डीप डाउन कंपैरिजन भी लेके आऊंगा इस बर्ड्स का दूसरे बर्ड्स के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पे इस तरीके की बॉक्स पैकिंग मिलती है। नॉइस की यहाँ पे ब्रांडिंग है, यहाँ पे एयरबड्स मिनी लिखा हुआ है नीचे की साइड, आई गेस दिख रहा होगा आपको। और थोड़ा सा हम इधर की साइड चले तो लिसन टू द नॉइस विद इन। और साथ में यहाँ पे पीछे की साइड कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि 14.2 mm साउंड ड्राइवर मिलते हैं जो कि बहुत ही ह्यूज हैं और फुल टच कंट्रोल मिलता है, 1 key रीसेट का ऑप्शन मिलता है, हाइपर सिंक टेक्नोलॉजी मिलती है जो कि आपको पेयर करने में हेल्प करती है, बहुत जल्दी पेयर हो जाएंगे। और यहाँ पे जो प्राइजिंग्स का दिया गया है, आई गेस 2999 यहाँ पे प्राइसिंग दिया गया है, आप देख सकते हो। उसी के साथ साथ यहाँ पे नॉइस क्वालिटी गारंटीड, 1 year की आपको वारंटी मिल जाती है इसमें। तो इस तरीके की बॉक्स मिलता है यहाँ पे। और इधर की साइड और भी यहाँ पे कुछ लिखा है, डिजाइंड इन इंडिया, मतलब ये इंपोर्ट किया गया है चाइना से और इंडिया में मेक इन इंडिया का मूवमेंट दिया गया इसको। और यहाँ इस तरीके से नंबर 1 ब्रांड दिया गया नॉइस का। तो इसको ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले आपको अंदर एक और बॉक्स मिलता है और जैसा कि यहाँ पे एक और इस तरीके से खुलता है और उतनी कुछ खास नहीं है पैकिंग, मतलब मुझे लगा कि थोड़ा सा ये फोम वाला होगा, मतलब बट ठीक है इस प्राइस रेंज में जिस तरीके से दिया गया। और थोड़ा सा हम बात करें यहाँ पे, सबसे पहले आपको ये यूज़र मैनुअल मिलती है, बहुत बड़ी यूज़र मैनुअल है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो, इवन इसको रखते हैं साइड में। और यहाँ पे आपको एक वारंटी कार्ड मिलता है, इसको QR को स्कैन करके आप वारंटी को क्लेम कर सकते हो, मतलब रजिस्टर कर सकते हो। साथ में यहाँ पे ये एक क्विक पेयर वाला आपको मिलता है, यहाँ पे क्विकली पेयर कर सकते हो, दैट्स इट, और कुछ नहीं मिलता। यहाँ पे मेन आपको यूनिट मिलता है और ये बहुत ही छोटा है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये क्यूट सा लग रहा है, बहुत ज़्यादा छोटा है फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आपको दिख रहा है। और डेफिनेटली यहाँ पे कहीं ना कहीं जो लुक के मामले में बहुत मेरे को पसंद आया। और आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा पाम है उससे भी छोटा ही लग रहा है, मतलब आप देख सकते हो इस तरीके से लग रहा है और यहाँ पे इस तरीके से बंद हो जाएगा ये, तो बहुत ज़्यादा छोटा है ये। यहाँ पे नॉइस की ब्रांडिंग है, इसको रखते हैं साइड में और देखते हैं हमको क्या मिलता है। और यहाँ पे मैंने फिल्म उतार ली है, ये आपको फिल्म मिलेगी, मतलब जो ईयरबड्स है मेन उस पर उसको आपको उतार लेना है सो दैट ये चार्ज हो सके, क्योंकि कई लोगों को इशू रहता है कि चार्ज नहीं हो रहा है, तो ये सबसे पहले करना होता है। यहाँ पे और चीज़ें देखते हैं क्या मिलता है आपको, आई गेस ये रहा, यहाँ पे चार्जिंग केबल मिल जाती है टाइप सी, यस आपको टाइप सी मिलती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और क्वालिटी जैसा कि अच्छी लग रही है इसकी, और इसकी वायर की क्वालिटी भी अच्छी है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में जो वायर की क्वालिटी उतनी अच्छी देते नहीं है ये, सो दैट्स इट। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा ईयरफोन्स नहीं मिलते हैं क्योंकि यहाँ पे ये जो डिज़ाइन है आपका एप्पल वाले की तरह है, तो हम इसको रखते हैं साइड में और देखेंगे मेन अपने यूनिट को। सो गाइज ये आपको इस तरीके से मिलता है। यहाँ पे हम इसकी पॉलीथीन को हटा लेते हैं, इस तरीके से आपको इसको हटाना है यहाँ पे, इस तरीके से एंड इस तरीके से, तो आपका ये हो जाएगा मिनी था नॉइस का एयरबड। तो बहुत ज़्यादा ये मतलब कॉम्पैक्ट है, मतलब मेरे को लगा नहीं था कि इतना ज़्यादा कॉम्पैक्ट होगा। आपको मैं इसका कंपैरिजन करके दिखा देता हूँ, मेरे पास मूव एक्वाटिक्स के रखे हुए हैं, 1500 रुपीज़ के मैंने लिए थे, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा कॉम्पैक्ट है ये, मतलब इसका हाफ लग रहा है ये, डेफिनेटली ये जो इतना बड़ा है इसका ये हाफ लग रहा है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और इवन ये हैवी भी है। तो हम आते हैं अपने यूनिट पे। यहाँ पे सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी की बात करूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने एक्चुअल बिल्ड क्वालिटी के बारे में नहीं बताया और ऊपर से बता दिया, तो यहाँ पे मैं बात करूँगा। सबसे पहले इसका जो लुक है बाहर का अमेजिंग है, मतलब इस क्वालिटी, मतलब देखा जाए तो रियलमी एयरबड्स जो लॉन्च हुए थे फर्स्ट वाले उसी की तरह इसकी क्वालिटी दी गई है, मतलब बाहर की साइड से बहुत ही प्रीमियम फील होता है। यहाँ पे ग्लॉसी फिनिश है पूरा का पूरा, ये शाइनिंग है, साथ में यहाँ पे नॉइस की ब्रांडिंग दी गई है और नीचे की साइड आपको एक टाइप सी पोर्ट मिल जाता है जैसे कि आप देख सकते हो, और साथ में यहाँ पे आपको एक रीसेट का बटन मिलता है ये रहा, और यहाँ पे आपको जो LED मिलती है वो पेयरिंग के लिए मिलती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और साथ में यहाँ पे भी नॉइस की ब्रांडिंग दी गई है आगे की साइड, और यहाँ पे फ्लैप दिया गया बटन। एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे जो फिनिशिंग है थोड़ी सी और अच्छी होती, ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि मैंने रियलमी के वाले बर्ड्स में देखा तो वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल और फिनिशिंग वाला जो पार्ट होता है बहुत ही अमेजिंग होता है। यहाँ पे जो टाइप सी पोर्ट है इधर की साइड हल्का सा जब मेरे को मिला था ना, साइड की प्लास्टिक जो था थोड़ा सा छिला हुआ था, वो मैंने हटाया, तो वो कहीं ना कहीं फाइनल फिनिशिंग का काम होता है, वो कहीं ना कहीं कंपनी को टेक केयर करना चाहिए, वो नहीं किया था इन्होंने, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्वालिटी कंट्रोल में इशू हो सकता है, बट ऑल एंड ऑल लुक इसका बहुत ही अमेजिंग लगा मेरे को। यहाँ पे आपको 2 बर्ड्स मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको नॉइस का एक वो दिया गया है, और साथ में यहाँ पे आप देख सकते हो 300 mAh का पावर ये मिलता है आपको इस केस से, और साथ में यहाँ पे इन दोनों में 30 या 40 mAh का आपको मिल जाता है पर्टिकुलरली में बैटरी साइज। अब मैं बात करूँ यहाँ पे इतना छोटा इसका ये है एक ईयरबड, तो मतलब अमेजिंग है, मतलब
मैंने सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा छोटा होगा। एयरपॉड्स जो मतलब वो वाले हैं एयरपॉड्स प्रो, उसी की तरह कहीं ना कहीं इसका जो मतलब स्टेम है ये आप देख सकते हो इतना ज़्यादा छोटा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इतना ज़्यादा ये इस तरीके से मिलता है आपको। तो ऑल एंड ऑल यहाँ पे कहीं ना कहीं क्वालिटी अमेजिंग मेरे को लगी। और उसी के साथ साथ अगर मैं कंपेयर करूँगा आप सभी से, तो थोड़ा सा हम कंपेयर कर लेते हैं और आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए, ताकि यहाँ पे डेफिनेटली बहुत सारे लोग लेना चाहते हैं। तो ये रहा, आप देख सकते हो यहाँ पे इतना ज़्यादा यहाँ पे छोटा है, स्मॉल है, कॉम्पैक्ट है। आप देख सकते हो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ये कॉम्पैक्ट लग रहा है इससे। और गाइज अब हम मेन फिजिकल ओवरव्यू पे आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक ये फोमिंग टाइप का मिलता है, मतलब ये पूरा का पूरा इसमें एम्बेडेड है, तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे प्रॉपर आपको एक मैश मिलता है और ये आई गेस मेटेलिक का है ये मैश, तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली गिरेगा नहीं और फटेगा नहीं है। नीचे की साइड आपको चार्जिंग पिन मिल जाती है, यहाँ पे आपको एक माइक मिल जाता है और यहाँ पे लेफ्ट साइड की मार्किंग मिल जाती है। और यहाँ पे ऊपर की साइड एक मतलब हवा गैप मिलता है आपको, जिसकी वजह से इसका जो बेस है, लेवल है, वो अच्छी तरीके से वर्क करता है। और यहाँ पे और कुछ नहीं मिलता है, नॉइस की ब्रांडिंग मिल जाती है। और ये एक डिज़ाइन दिया गया जिसकी वजह से आपके कान में फिट रहे, निकले ना जल्दी। और दूसरा हम देख लेते हैं यहाँ पे, दूसरे में भी आपको एज इट इज़ सेम मिलता है। यहाँ पे मोनोपॉड का फीचर दिया गया, तो आप एक बर्ड से भी कॉलिंग कर सकते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आपको चार्जिंग पिन मिल जाती है, यहाँ पे आपको माइक मिल जाता है, और साथ में यहाँ पे ऊपर की साइड ये अलग से फोम मिला गया है। और यहाँ पे ये पूरा का पूरा आपको मिलता है मेटेलिक का, तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे जो इसकी फिनिशिंग अच्छी दी गई है, बट फिर घूम फिर के बात आती है इसकी प्लास्टिक की। प्लास्टिक क्वालिटी उतनी ज़्यादा कुछ खास नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर बर्ड्स। यहाँ पे इसकी प्लास्टिक थोड़ी सी मतलब मेरे को लगी दोनों की थोड़ी सी मतलब उतनी ज़्यादा बेटर नहीं है। अगर ये गिरेंगे तो मे बी ये टूट सकते हैं, तो थोड़ा सा है ये। और बात करें इसकी जो केस की, 300 mAh का ये केस है और साथ में यहाँ पे इस तरीके का आपको मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो। ऑल एंड ऑल जो क्वालिटी है इसकी केस की मेरे को बहुत बेटर लगी एज़ कम्पेयर टू इन बर्ड्स की। तो जैसे ही आप इसको इसमें डालते हो तो यहाँ पे LED लाइट्स पेयर होने लगती है, मतलब जलने लगती हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। ये चार्जिंग पे चला जाता है, जैसे ही आप इसको बंद कर देते हो ये चार्जिंग ऑन हो जाती है और यहाँ पे दोनों चार्ज होने लगते हैं। तो इस तरीके का आपको ओवरऑल यहाँ पे लुक मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं बिल्ड क्वालिटी में मैं इसको 10 में से 8 नंबर देना चाहूँगा। और डेफिनेटली यहाँ पे एक एडेड एडवांटेज है कि आपको एक स्मॉल फैक्टर मिलता है, स्मॉल साइज मिलता है। यहाँ पे जो इसका जो फील है बहुत ही सेटिस्फाइंग है, आप देख सकते हो यहाँ पे अमेजिंग्स का फील आ रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब ये ख़राब होगा, बहुत जल्दी ये टूट जाएगा। तो यहाँ पे इसकी क्वालिटी मैं कहना चाहूँगा बहुत ही बेटर की है नॉइस वालों ने, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे इसका जो वेट है करीब करीब आई गेस 35 to 37 grams का है, तो एग्जैक्टली तो मेरे को नहीं पता, बट इतना ही वेट है। तो बहुत ज़्यादा ये कॉम्पैक्ट है, आप इसको जीन्स की पॉकेट में भी लेके जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके जो साउंड क्वालिटी है और पेयरिंग कैसे करनी है। यहाँ पे आपको इसको केस को खोलना है, डायरेक्टली आप अपने फ़ोन के साथ पेयर कर सकते हो। सबसे पहले इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ, एयरबड्स मिनी है, मैं इसको ओपन करता हूँ, यहाँ पे ऑटोमेटिकली पेयर हो जाएंगे। यहाँ पे हाइपर सिंक की जो टेक्नोलॉजी मिलती है अमेजिंग है, मतलब ऑलरेडी यहाँ पे 100% बैटरी दिखा रहा है। अब ये पेयर हो चुके हैं, डायरेक्टली आपको इसको निकालना है और सुन सकते हो डायरेक्टली आप। तो सबसे पहले हम इसको सुनेंगे, तो लाइव इसकी वॉइस सुनाऊंगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से आपको साउंड मिलती है। और यहाँ पे मैं इसको प्ले कर देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो मतलब साउंड की क्वालिटी है वो तो बेटर मिलती ही है, साथ में यहाँ पे जो इसकी प्राइसिंग है वो भी बहुत अच्छी है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो वोकल्स हैं वो क्लियर आते हैं, मतलब ज़्यादा यहाँ पे डिस्टॉर्ट नहीं होते हैं। बट अगर आप साउंड फुल कर दोगे, मतलब 80 से अबव जाओगे, तो थोड़ा सा आपको लगेगा डिस्टॉर्ट हो रहे हैं, साउंड में डिस्टॉर्शन आ रहा है। और लाउडनेस इसकी इनफ है, क्योंकि 14.2 mm ड्राइवर्स का यूज़ किया गया, तो साउंड में जो लाउडनेस है वो भी अच्छी खासी है। और यहाँ पे एक बार मैं कंट्रोल भी आपको दिखाता हूँ किस तरीके से कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पे हम म्यूज़िक प्लेयर को खोल लेते हैं, तो गाइस यहाँ पे आप डबल टैप करते हो तो यहाँ पे सॉन्ग रुक जाता है, और वापस से यहाँ पे डबल टैप करते हो सॉन्ग प्ले हो जाता है। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर आप होल्ड करके रखते हो तो नेक्स्ट सॉन्ग यहाँ पे प्ले होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे राइट साइड में अगर आप टैप करते हो और लेफ्ट साइड में टैप करोगे तो आपका पुराना वाला सॉन्ग बनना स्टार्ट हो जाएगा, बैक साइड वाला। सो गाइस यहाँ पे जैसे आप आराम आराम से टैप करते हो तो यहाँ पे वॉल्यूम डाउन होनी स्टार्ट हो जाती है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे वॉल्यूम डाउन होनी स्टार्ट होगी, और यहाँ पे राइट साइड में आप टैप करते हो तो यहाँ पे वॉल्यूम अप होनी स्टार्ट हो जाएगी, आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से। तो ये एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज मिल जाता है आपको। वैल्यू फॉर मनी है वो तो आपको मिलता ही मिलता है 1300 रुपये में। साथ में यहाँ पे अगर मैं मेन जो साउंड क्वालिटी है उसकी बात करूँ, तो वोकल्स यहाँ पे क्लियर आते हैं, मतलब
डिस्टॉर्ट नहीं होते हैं, बट अगर आप 80 से अबव जाते हो तो थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आपको देखने को मिल सकता है। और अगर मैं लाउडनेस की बात करूँ तो लाउडनेस इनफ है इसमें, क्योंकि 14.2 mm ड्राइवर्स का यूज़ किया गया, तो लाउडनेस इसमें बहुत अच्छी खासी आपको मिल जाती है अदर जो आपके TWS हैं उससे। और अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँ, यहाँ पे जो साउंड की क्वालिटी है वो ऑल इन ऑल यहाँ पे बैलेंस साउंड मिलता है आपको, मतलब थोड़ा सा मेरे को मफल्ड मिला। मफल्ड का मतलब ये कि थोड़ा सा दबा हुआ साउंड मिला है, मतलब एज़ कम्पेयर टू रियलमी बर्ड्स जो कि हाई प्राइस में रेंज में आते हैं। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे जो प्राइस रेंज है उसको देखते हुए मैं कहना चाहूँगा कि जो साउंड क्वालिटी उसमें बहुत अच्छा काम किया गया है, 10 में से मैं 7.5 नंबर देना चाहूँगा, 7.5 से 8 तक। तो साउंड क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, मतलब ऐसा नहीं है कि एवरेज है, एवरेज से थोड़ा सा आगे आपको मिलता है। बट अगर मैं गेम्स की बात करूँ, यहाँ पे जो आपको लेटेंसी मिलती है वो कहीं ना कहीं वहाँ पे आपको लैग देखने को मिल सकता है, जो बड़े बड़े गेम्स हैं अगर आप खेलते हो तो, फ्रंटलाइन कमांडो अगर आप खेलते हो तो उसमें भी आपको लेटेंसी देखने को मिलेगी, गैप मिलेगा एक, और फ्री फायर खेलोगे तो उसमें भी आपको एक डिले मिलेगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो अगर आप गेमिंग के लिए ले रहे हो तो मैं प्रेफर नहीं करता, मैं रिकमेंड नहीं करता। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे म्यूज़िक क्वालिटी की ओवरऑल, तो वो बहुत अच्छी है। और नॉर्मली जगह जब आप सुनते हो इसको तो कोई भी लैग आपको देखने को नहीं मिलता है, या YouTube वीडियो की बात करें या नॉर्मल आप ऐसे बात कर रहे हो तो लैग देखने को नहीं मिलता है। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी की, तो जब ये मेरे को रिसीव हुआ था अराउंड 70% बैटरी थी, और अभी भी इसकी बैटरी करीब करीब 30% है, तो डेफिनेटली बैटरी बैकअप भी इसका बहुत अच्छा है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कॉल क्वालिटी की, तो कॉल क्वालिटी मेरे को बहुत ही अच्छी लगी इसकी, इनफ लाउड है, मतलब रियलमी बड्स से अगर मैं कंपेयर करूँ थोड़ा सा, तो रियलमी बड्स में आपको जो लाउडनेस है वो थोड़ी सी कम मिलती है, कॉल में इसमें लाउडनेस उसकी डबल है। तो समझ लीजिए यहाँ पे जो मतलब कॉल क्वालिटी है बहुत ज़्यादा अच्छी है इसकी, क्योंकि मैंने इसको यूज़ किया तो कोई भी यहाँ पे सामने वाले को नॉइस नहीं आ रहा था। इवन मैंने छत पे जाके यूज़ किया था जहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, उसके बावजूद भी थोड़ा सा मेरे को एडजस्ट करना पड़ा था, बट एकदम क्लीन वॉइस आ रही थी सामने वाले को। तो यहाँ पे जो म्यूज़िक क्वालिटी है साथ में यहाँ पे माइक की क्वालिटी है वो भी अच्छी इसमें दी गई है। तो ओवरऑल ये पैकेज बन जाता है, आप इसको कंसीडर कर सकते हो, डेफिनेटली मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। 1300 rupees में आप इसको ले सकते हो, बट अगर आप और भी देखना चाहते हो तो मार्केट में और भी TWS अवेलेबल हैं जो कि इससे थोड़े से बड़े साइज़ में, इस साइज़ में तो अभी तक कोई भी इसके कंपटीटर में नहीं आया है जो कि टाइप सी के साथ आपको इतनी अच्छी क्वालिटी दे पाए। तो आई गेस मैंने यहाँ पे सारे के सारे फीचर्स फंक्शंस को आपको एक्सप्लेन कर दिया, और डिस्कनेक्शन इश्यूज नहीं है इसके अंदर, एक रेंज के बाद ही डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, जैसे कि 10 मीटर तक से ऊपर आप जाते हैं तो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, फिर वापस से पेयर हो जाते हैं, तो यहाँ पे कोई इशू आपको नहीं होने वाला है। तो ओवरऑल इसकी क्वालिटी अमेजिंग लगी मेरे को, डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी है, आप इसको बाय कर सकते हो। और गाइज अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी रह जाता है यहाँ पे तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।